उधर पाकिस्तान के साबका तानाशाह थे साबका फौज मुखी परवेज मुशरफ ने कहा है कि जो भारतीय मीडिया विच कुलभूषण जाधव बारे दसा जा रहा है वह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव नू अपना बचाव करने लिए वकील मुहैया कराया सी। मुशरफ ने भी कहा है कि जाधव भारत लिए जासूसी करने के मामले में फड़िया गया है। उसका मामला फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के सामने चलाया गया। इस विच उसके बचाव लिए एक वकील भी दिता गया। पाकिस्तान विच जासूसी के मामले में फड़े गए व्यक्ति नाल अजिहा ही हुंदा है। मुशरफ ने भारतीय मीडिया के रुख से इतराज जताया। उन्हें कहा कि भारतीय मीडिया जो कह रहा है अजिहा बिल्कुल नहीं है। उन्हें भी कहा कि जाधव ने खुद क्रिमिनल वकील की थां सिविल वकील की मांग की थी। इनिशियल रिएक्शन देखें ये केसेस ऑफ एस्पियोनाज के केसेस और सेबोटाज के केसेस में इन्वॉल्व था वो, तो उसका मिलिट्री ट्रायल होता है, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल से ट्रायल होता है, जो हुआ है उसको डिफेंस दिया जाता है, डिफेंस उसका लॉयर होगा, वो उसको डिफेंड किया होगा उसे, और उधर उन्होंने जजमेंट दिया। यही होता है अगर पाकिस्तानी भी कोई पकड़ा हो एस्पियोनाज पे, उसके भी यही होता है, वो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल से ट्रायल होता है, कोर्ट मार्शल होता है उसका, और फिर उसे सजा मिलती है। कुछ समझते हैं कि जी ये कोर्ट मार्शल होता है तो इसमें तो कोई डिफेंस ही नहीं होता, वो इसमें बड़ा डिफेंस होता है। उसको कुलभूषण ऑप्टेड, उन्होंने खुद ने ऑप्ट किया कि मुझे सिविल लॉयर चाहिए फॉर डिफेंस, और वो उसको दिया गया अकॉर्डिंग टू मिलिट्री लॉ ऑल्सो कि ये अपील कर सकते हैं टू एन एपेलेंट बेंच जो कि दो स्टार जनरल यानी मेजर जनरल हेड करेगा, और उसके बाद इसको सुप्रीम कोर्ट में भी ले जा सकते हैं, एंड फाइनली ये प्रेसिडेंट के पास मर्सी पिटीशन जा सकती है।